छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बॉलीवुड अभिनेता व हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने संवादों व अभिनय से सदा वे लोगों को हंसाते आए। उनके चले जाने से फिल्म जगत को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से अपूरी क्षति हुई है। पूरे जीवन भर वो सबको हंसाते रहे, बुलाते ही सब। मैं उसके प्रति संवेदना करता हूँ। उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में जनजातियों के आरक्षण फैसले को रद्द कर दिया, जिसके चलते अब राज्य में 32% आरक्षण में से 12% घट गया। उच्च न्यायालय के इस फैसले पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार की वजह से राज्य की अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लाभ से वंचित हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जनजातियों को कमजोर करने की मानसिकता पाली हुई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार मुझे लगता है जानबूझ करके जनजातियों को कमजोर करने के लिए इस आरक्षण को कैसे उनके विपरीत निर्णय आए, ये इनके मन में थी, इनकी मानसिकता में थी। इसीलिए इन्होंने ठीक वकील नहीं रखा, ठीक से विषय को रखा नहीं, डेटा और उनकी जो परिस्थितियां थी जनजातियों के संबंध में बहुत सारे विषय उनको सामने रखना चाहिए था, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण 32% आरक्षण में 12% कम हो गया है। पूरा प्रदेश का जनजाति समाज इसके कारण व्यथित है और उद्वेलित है। भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर से संबंधित निवेश करवाया है, जिसमें भारत की कंपनी वेदांता, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और गुजरात सरकार के बीच एक MOU हुआ है। यह जानकारी पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने दी। चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वह सेमीकंडक्टर से संबंधित निवेश का, इसके लिए भारत की कंपनी वेदांता, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और गुजरात सरकार तीनों मिलकर सामने आए हैं और 1,54,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे 1,00,000 से अधिक युवाओं को क्वालिटेटिव रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर उपयोग करने वाली जो प्रोडक्ट्स है उनके रेट में भारी कमी आएगी। जैसे वेदांता ने एक उदाहरण देते हुए खुद वर्जन दिया है, ये कोई सरकारी वर्जन नहीं है, कि 1,00,000 रुपए का लैपटॉप जो हाई वैल्यू का होता है उसमें कवरिंग ग्लास और सेमीकंडक्टर चिप्स का ही भारत में उत्पादन होने लग जाए तो उसकी कीमत 1,00,000 से घटकर 40,000 हो जाएगी। इस MOU पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अवसरवादी राजनीति करती है। अब भारतीय जनता पार्टी इसे मोदी जी का पुरुषार्थ बता रहे हैं। भाई साहब, मोदी जी के तो कार्यकाल में देश की जो नवरत्न कंपनियां थी उनको तक को तो बेच दिया गया। 23 से अधिक सार्वजनिक उपक्रम जो कि मुनाफे में थे उनको मोदी जी ने बेच दिया। मेक इन इंडिया की हवा निकली हुई है। ऐसे में मोदी जी यदि प्राइवेट उद्योगपतियों के पुरुषार्थ को भी मोदी जी का बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादी राजनीति है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता करें भी तो क्या करें। मोदी जी ने पिछले 8 साल में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है GST नोटबंदी के सिवा कि भाजपा के प्रवक्ता कुछ बता पाए। तो बेचारे इधर उधर से जुगाड़ करके प्राइवेट लोगों के, निजी लोगों के पुरुषार्थ को मोदी का पुरुषार्थ बताते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑपरेशन लोटस पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जहां चल नहीं पा रही वहां ED, IT और CBI का भय दिखाया जा रहा है। अभी तो भारतीय जनता के पीछे लगे हुए, फिर देश में पूरे विपक्षी दलों के लगे हुए हैं और जहाँ नहीं चल पा रहे हैं वो ED, IT, CBI, DRI उसके माध्यम से कार्रवाई करी ना, डराने धमकाने और आगे बढ़वाने की। लगातार यात्री ट्रेनें रद्द किए जाने से गुस्साए बिलासपुर के नागरिकों ने नागरिक सुरक्षा मंच के साथ मिलकर DRM कार्यालय का घेराव किया। नागरिकों का आरोप है कि लगातार यात्री ट्रेनें रद्द होने से उन्हें परेशानी हो रही है। उनका आरोप है कि 1 घंटे पूर्व ट्रेन रद्द होने की सूचना मिलने पर कोई विकल्प नहीं बचता, जिससे आम जनता को बड़ी दिक्कत हो रही है। और 24 घंटा पहले बताया जाता है कि ट्रेनें रद्द हैं, आज फिर 32 ट्रेनें रद्द की गई हैं। उसके विरोध में बिलासपुर के नागरिकों के साथ नागरिक सुरक्षा मंच यहाँ पर GM आपेदा घेराव करने आया है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देंगे और चेतावनी देकर GM को जाएंगे कि अगर रद्द ट्रेनें 24 घंटे के अंदर चालू नहीं की जाएंगी तो चंदिया से बड़ा आंदोलन बिलासपुर में खड़ा होगा
माल ढुलाई बंद करेंगे, कोयला ढुलाई बंद करेंगे। और बिलासपुर के नागरिक जोन आंदोलन को आज भी याद रखे हैं, तो जो रेलवे के जीएम यहाँ बैठे हैं, ये जो जोन बना है वो नागरिकों के आंदोलन से बना है। अगर हमको ट्रेन नहीं मिलेगी तो जीएम भी अपने कार्यालय में नहीं बैठ पाएंगे, ये चेतावनी देके हम सब यहाँ से हट जाएंगे। बिलासपुर के लोगों ने इस दौरान नारेबाजी की और महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। नागरिक सुरक्षा मंच ने एक ज्ञापन भी सौंपा और आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जो बंद ट्रेनें हैं, जो लगभग 58-60 ट्रेनें हैं, उसको तत्काल प्रभाव से चालू किया जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर। साथ ही जो 12-12 घंटे 20-20 घंटे लेटे हो रही है ट्रेनें, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है, उन ट्रेनों को नियमित किया जाना चाहिए। क्योंकि आज भी भारत में सबसे सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक कोई यातायात माध्यम है तो वो रेल है। और आम जनता का जो यातायात माध्यम है वो रेल है, गरीब आदमी का यातायात माध्यम है वो रेल है। और रेल प्रशासन आम जनता की अनदेखी करते हुए माल ढुलाई को केवल ध्यान दे रही है और आम जनता की अनदेखी कर रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। आज इस आंदोलन की शुरुआत है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, ट्रेनों को नियमित नहीं किया जाता है, लेट लतीफ़ी बंद नहीं की जाती है, तो मेगा ब्लॉक किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, पूरी ट्रेनों को हर रूट पे रोका जाएगा। महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, भारतीय जैन संगठन छत्तीसगढ़ और जेएम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे निशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर में दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ, पैर, कैलिपर्स के साथ ट्राईसाइकिल प्रदान की जा रही है। जगदलपुर में 19 सितंबर से चल रहे इस सेवा शिविर में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगों को लाने ले जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो हम लोग यहाँ से ये प्रयास कर रहे हैं कि ब्लॉक से हम लोग समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हमारे ब्लॉक स्तर से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सके, उसके लिए हम लोगों ने पत्राचार भी किया है अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उससे, और इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सके। कलेक्टर दंतेवाड़ा के निर्देश पर कार्य करते हुए जिले से 83 दिव्यांगों को जगदलपुर भिजवाया गया है और उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। जिले के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किए गए थे, जिसके परिपालन में अभी 3 दिन में हमने लगभग 83 दिव्यांगजनों को वहां पहुंचाया है, ताकि उनके लिए उनकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग, हाथ पैर जैसे बनता है और भी अन्य सहायक उपकरण उनको उपलब्ध हो सके, मिल सके। रायपुर जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने और लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे पुलिस कर्मियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने यह तबादला आदेश जारी किया, जिसमें 48 से अधिक आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल 5 दिनों के बस्तर प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी की बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के इस प्रवास को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के कुशासन से बस्तर को जो क्षति हुई है, उसके लिए वे बस्तरवासियों से माफी भी मांग लें। वे बस्तर जा ही रहे हैं, हमारी उनसे मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में बस्तर में जो शोषण हुआ, बस्तर में जो कत्लेआम हुआ, बस्तर में जो शांति की बहाली नहीं हुई, उसके लिए वे बस्तर की जनता से माफ़ी भी मांग लें। बस्तर के आदिवासियों की जमीनों को बंधक बनाए रखने के लिए, बस्तर में 4.5 लाख से अधिक वनाधिकार पट्टों को लंबित रखने के लिए, बस्तर के हजारों आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को जेल के सलाखों के पीछे बंद रखने के लिए, बस्तर के 300 से अधिक स्कूलों को बंद करने के लिए, बस्तर के लोगों के रोजी रोटी को बाधित करने के लिए, बस्तर का जो शोषण का दौर 15 साल में चला, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वहां पहुंचने के बाद बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बस्तर के गीदम रोड में स्थित शासकीय शराब दुकान में हुई चोरी के आरोपियों को जगदलपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी लोचन साहू, जो शासकीय शराब दुकान में सेल्समैन है, उसने चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी। प्रार्थी के अनुसार अज्ञात चोरों ने 10,66,710 रुपए चुराए थे। जगदलपुर पुलिस ने टीम गठित कर पड़ताल की और संदेह के आधार पर लोचन साहू और सुकेश देवरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उन्होंने चोरी में लिप्त होना बताया। सूचना पर थाना बोधघाट में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध
चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और दौरान अनुसंधान के जो है सिटी सर्विलेंस सिस्टम अंतर्गत लगाए सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज, दस्तावेजी साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य और अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर जो है मामले में दो संदेहियों की पहचान हुई। जो दोनों संदेही जो है उक्त शराब दुकान में जो है सेल्समैन लोचन साहू और सहायक सेल्समैन सुकेश देवरी की संलिप्तता होना पाया गया, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि दिनांक 11 सितंबर की रात को जो है उक्त शराब दुकान को बंद करने के पश्चात पुनः जो है दोनों के द्वारा सुनियोजित पूर्ण तरीके से जो है शराब दुकान में जाकर अपने पास रखे चाबी से जो है ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया गया और लॉकर के चाबी से जो है लॉकर खोलकर लॉकर में रखे राशि को जो है चोरी कर लेना बताया गया है।